वीड़ा पाणी को नमन करता हूँ, आप सबकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये आज कार्यक्रम था और मुझसे कल ही बताया मृत्युंजय भाई ने कि भाई लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है, तो मैंने एक बार केवल अपने दोस्तों से कहा था, आज वो सारे आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा दोस्त देव है, अखिलेश है, नवीन है, जय हिंद है, चरक है, सौरभ है, सारे मेरे दोस्त यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप विश्वविद्यालय के लिए, आप अपने लिए, मंच पर सभी कवियों के लिए एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियां बजाएं। तो मैं चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। क्या बात है भाई, पढ़ो। वाह। मुझसे बिछड़ के तमाम रात तू रोता रहेगा। अच्छा। मुझसे बिछड़ के तमाम रात तू रोता रहेगा, रूह मेरे पास जिस्म कहीं और सोता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। रूह मेरे पास जिस्म कहीं और सोता रहेगा, तुझसे बिछड़ने का गम मुझे इसलिए भी ज्यादा है शायद, मेरे बाद तुझे कौन कौन छूता रहेगा। क्या बात है, वाह। तुझसे बिछड़ने का गम मुझे इसलिए भी ज्यादा है शायद, बहुत बड़ी चिंता है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि एक रोज वो बैठकर गीत गुनगुना रही थी। एक रोज वो बैठकर गीत गुनगुना रही थी, तितलियां ठहर गईं जो फूलों तक जा रही थी। हाँ। तितलियां ठहर गईं जो फूलों तक जा रही थी, मैं मिला बात की पर गले से नहीं लगाया उसे, उसके बदन से किसी और की खुशबू आ रही। क्या बात है, वाह वाह। बदन से किसी और देखो, हिमांशु कह रहे थे कि प्रेम की क्लास नहीं होती, प्रैक्टिकल क्लास नहीं हो रही। अगर प्रैक्टिकल क्लास ना हो रही होती तो ये खुशबू ना आ रही होती इन्हें। पढ़ता हूँ चार पंक्तियाँ, निवेदित करता हूँ कि ढेर सी उलझने और तेरे प्यार के सिवा कुछ नहीं था। अच्छा। ढेर सी उलझने और तेरे प्यार के सिवा कुछ नहीं था, मेरे पास नाव और पतवार के सिवा कुछ नहीं था। क्या बात है। मेरे पास नाव और पतवार के सिवा कुछ नहीं था, उसने भी कहा था कि वो लौट कर आएगा एक दिन, मेरे पास भी इंतजार के सिवा कुछ नहीं था। क्या बात है, क्या बात है भाई। मेरे पास भी इंतजार के सिवा कुछ नहीं था भाई। मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा कि जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तो लिख, उसके बाद ही मुझसे बड़ा तो दिख। माँ मेरी मुनव्वर राणा से नहीं मिली थी, फिर भी मैं अपनी माँ के लिए सबसे छोटा बेटा होते हुए घर में हमेशा एक ही शेर सोचता हूँ कि घर मिला किसी को हिस्से में या कोई दुकान आई। हाँ। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह। यानी कि मैं नहीं जानता था कि मुनव्वर राणा कौन है, ना मेरी माँ कभी मुनव्वर राणा से मिली थी, लेकिन आप सोच के देखिए, हिंदी इंग्लिश बोलने वाला एक लड़का लखनऊ विश्वविद्यालय के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला एक शायरी को लेकर सफर कर रहा है, क्योंकि वो शायरी जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे परिभाषित कर रही है, मुझे ट्रांसलेट कर रही है। आप सोच कर देखिए एक बार, जिस समय द्रौपदी ने पूछ लिया कृष्ण से कि कृष्ण आप भगवान हो, आप मेरे भाई हो, आपके सामने मेरे पांचों पति हार गए और आप कुछ नहीं कर सके, उस समय कृष्ण ने कहा कि जितना तुम्हारा गुस्सा है ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया द्रौपदी। जिस समय दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से पासा मामा शकुनि फेंकेंगे, क्या उस समय तेरे पांचों पतियों में से कोई एक खड़ा होकर भी यह नहीं कह सकता था कि अगर दुर्योधन तुम्हारी तरफ से पासा मामा शकुनि फेंकेंगे तो हमारे पांडवों की तरफ से पासा कृष्ण फेंकेगा। मैं फेंकता पासा और देखता कौन से दुर्योधन में ताकत है तो तुमको हरा कर दिखा देता। वाह लोग जिंदाबाद, क्या कहने। वाह भाई जिंदाबाद, क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वाह 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 भाई वाह। जाने ये कितना बड़ा सफर होने लगा है, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा पवित्र पंक्तियां नहीं लिखी, मेरी माँ व्याख्या माँ जी बैठी इनके चरणों पर मैं समर्पित करता हूँ ये चार पंक्तियां, सुनिएगा। कि जाने ये कितना बड़ा सफर होने लगा है, सबके दिलों पर मेरा बसर होने लगा है, और ये मुश्किलें जरा मुझसे डर के रहती है, मेरी माँ की दुआओं का असर होने लगा। वाह वाह वाह। मेरी माँ की दुआओं का असर में क्या बात। समय की अपनी सीमाएं हैं, सभी को निरंतर लगातार पढ़ना है, यहाँ पर आप सबके भी समय अनमोल है। मैं एक गीत छोटा सा पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। पढ़ दो। इजाजत कैसे दी जाती है बताएं मुझे एक बार जरा। गीत की भूमिका केवल इतना कि
इंडिया में क्या एशिया में सबसे पहला जब पुरस्कार नोबेल का लिटरेचर का मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो उनसे लाइटनिंग कॉल लगाई गई। वो यहाँ हिंदुस्तान में थे, इंग्लैंड में किसी ने कॉल लगाई उनसे पत्रकार ने और पूछा कि आप मुझे बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर जी आप गीत कैसे लिखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि देखिए मैं गीत तो नहीं लिखता, मेरे अंदर मेरे दिल में एक विरहणी औरत है, वो रो देती है, मैं गा देता हूँ और गीत बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। मैं गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुझे गाना है, मुझे गाना है, पहला मंच है शायद ये जहां ये गीत मैं पढ़ रहा हूं। आज मेरे विश्वविद्यालय में मेरे इन सभी प्यारे भाइयों दोस्तों के सामने अगर मैंने पढ़ दिया तो हो सकता है ये पूरा हिंदुस्तान इस गीत को सुने। आगे चलकर मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मुझे गाना है, मुझे गाना है। अतुल भैया मेरे बीएच थर्ड ईयर के बैठे हुए हैं, बड़े भैया आपको भी प्रणाम करता हूँ। सौरभ भैया बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए फिर मैं शुरू करता हूँ। वाह वाह। मुझे गाना है, मुझे गाना है, जो तुमने अधूरा छोड़ दिया रिश्ता वो मुझे निभाना है। वाह वाह। मुझे गाना है, मुझे गाना है, पहला बंद सुनिएगा। कि सबके रहने से क्या होगा, आंसू बहने से क्या होगा, सुनिएगा आप सबका आशीर्वाद मिले। कि सबके रहने से क्या होगा, आंसू बहने से क्या होगा, जो खामोशी समझा ही नहीं उसको कहने से क्या होगा। हमने ये गीत लिखे रोकर, रोकर ये गीत लिखे हमने, मुस्का कर जिन्हें सुनाना है। मुझे गाना है, मुझे गाना है। आप सब यहाँ पर नौजवान मेरे दोस्त मेरे भाई सब बैठे हुए हैं, आपको एक मैं बात बता दूं कि जीवन में कभी किसी का इंतजार मत करना, खासकर महिलाओं का और लड़कियों का इंतजार तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अपना कोई पथ नहीं होता। ये उस ट्रेन के उस वो डिब्बे हैं जिनका अपना कोई पथ नहीं होता, ये इंजन नामक पुरुष ही उनको जहाँ ले जाए वहाँ चले जाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, कितनी भी मूर्ख से मूर्ख महिला हो या कितनी भी बुद्धिमान से बुद्धिमान महिला हो, वो हर घड़ी हर समक्ष ये समझती है कि सामने वाला पुरुष उसे क्या समझ रहा है। एक बात आपको बता दूं, अगर वो मूर्ख बन भी रही है तो वे अपने अंतरात्मा को मारकर केवल उतने क्षण तक मूर्ख बनती है जब तक उसका दिल चाहता है, जब तक उसका मन चाहता है, अन्यथा इस सृष्टि में ऐसा कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ जो महिला को मूर्ख बना सके। तब मैं पढ़ता हूं, तब मैं दूसरा बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जो मैंने कहा था इंतजार मत करना, आप मेरा दूसरा बंद ध्यान में रखिएगा और सुनिएगा। कि ना करो प्रतीक्षा तुम इनकी, इनकी मतलब समझिएगा, ना करो प्रतीक्षा, ना करो समीक्षा तुम इनकी, ना जानो इच्छा तुम इनकी, ना करो समीक्षा तुम इनकी, ना जानो इच्छा तुम इनकी, इनका तो कोई पथ ही नहीं, ना करो प्रतीक्षा तुम इनकी। अच्छा। ये उन झरनों की लहरें हैं, ये उन झरनों की लहरें हैं, जिनका ना कोई ठिकाना है। मुझे गाना है, मुझे गाना है। आप अपने लाडले छोटे से भाई को, दोस्त को, बेटे को जितना प्यार दे सकते हैं इस आखिरी बंद में दे दीजिएगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, सबको पढ़ना है। मैं आखिरी बंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, मैं पढ़ता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप इतनी खामोशी से मत सुने, देखिए कुछ लोग यहाँ पर कविता सम्मेलन सुनने आए हैं और कुछ लोग कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, तो या तो आप कवि सम्मेलन में तालियां बजा लीजिए, या फिर जाकर कविता हो तो फिर कविता सम्मेलन में तालियां बजाइए। नाम में पढ़ता हूँ, आखिरी बंद सुनिएगा, आखिरी बंद और सबसे प्यारा बंद सुनिएगा। कि 14 सालों तक वन में थे, 14 सालों तक वन में थे, प्रभु राम तो सबके मन में थे,
14 सालों तक मन में थे प्रभु राम तो सबके मन में थे। माँ सीता ने पर कुछ ना कहा किंचित कंपन जो तन में थे। अगर मैंने 14 सालों की पीड़ा एक पंक्ति में, केवल एक पंक्ति में 14 सालों की पीड़ा गा दी हो तो आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मिले। सुनिएगा कि 14 सालों तक वन में थे प्रभु राम तो सबके मन में थे। माँ सीता ने पर कुछ ना कहा किंचित कंपन जो तन में थे। सीता तो राम के संग रही, सीता तो राम के संग रही, उर्मिला पीड़ा कौन जाना है। क्या बात है, क्या जाना है मुझे, मुझे गाना है। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक शाम ही शाम होगी। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।